हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, टू ऑल आर सब्सक्राइबर्स एंड व्यूवर्स एंड फॉलोअर्स. विश यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर. आज है 1 जनवरी 2023, पहला दिन है साल का. और हमारा ये पहला दिन ये साल का आपको मैं दिखाऊँ कितना ब्यूटीफुल है. अभी 10:45 बज रहे हैं, हम लोग जस्ट अभी उठे हैं कल की रात की न्यू ईयर पार्टी के बाद, बहुत थके हुए थे. एंड लेट मी शो यू आर व्यू फ्रॉम हियर. ये है हमारा नए साल का खूबसूरत व्यू. सुबह सुबह खूबसूरत मॉर्निंग का खूबसूरत व्यू. वहाँ पे दूर भी काफ़ी सारे माउंटेन कल दिख रहे थे, वहाँ पे सब आज फॉग 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 है. सो देखा हमारा पहले साल का पहली मॉर्निंग का पहला व्यू कितना ब्यूटीफुल, कितना अच्छा था. तो चलो, अभी हम लोग ने कुछ खाया नहीं है, पिया नहीं है, नाश्ता नहीं किया है. सो वी आर गोइंग टू आर टेरेस टू हैव ब्रेकफास्ट. चलो मिलते हैं वहाँ पे. सो वी हैड अ वेरी गुड ब्रेकफास्ट एंड टी एंड कॉफ़ी. और काफ़ी ठंडी ठंडी वाला क्लाइमेट था और धूप भी अच्छी थी, तो एक्चुअली धूप में बैठना काफ़ी अच्छा लग रहा था. और बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सीनिक व्यू था. और हमने काफ़ी टाइम वहाँ पे स्पेंड किया, बहुत ही, मतलब क्या बताओ, वर्ड्स ही नहीं मिल रहे, क्या बोलूँ. सो फ्रेंड्स, 1:15 बज गया है. हम लोग नहा धो के चाय नाश्ता करके अच्छे से आज गरम गरम पानी में फ्रेश हो गए, मस्त रेडी हो गए, एकदम से अभी बाहर जाने के लिए रेडी है. देखो ये मेरा पूरा महाबलेश्वर का विंटर ब्लश हो गया है, मेरा सब दिख रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा. मेरा भी हो गया ब्लश. तो चलो मस्त से अभी आज घूमते हैं, अच्छे अच्छे नए नए पॉइंट्स देखते हैं. महाबलेश्वर का व्लॉग आपने लास्ट ईयर भी हमारा देखा होगा, बट इस टाइम हम लोग आपको नई नई जगह दिखाने वाले हैं. तो चलो चलते हैं. वी आर हियर ऑन अ बाइक, लेट्स गो टू न्यू पॉइंट. और अभी हम महाबलेश्वर जा रहे हैं, वहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको दिखाना है मुझे. हम लोग भी नहीं गए हैं काफ़ी टाइम से. It's a new point for us and for you also. और यहाँ से 15 किलोमीटर है हमारे होटल से, 15 किलोमीटर्स है. 45 मिनट्स दिखा रहा है मैप में. अभी 1:20 हुए हैं. ठंडी तो है, अच्छी खासी है, और धूप भी है, इसे इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है. पानी काफ़ी
सो गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं हमारे पॉइंट पे एंड वी हैव कम टू कृष्णाबाई टेम्पल, जो यहाँ पे मेन महाबलेश्वर टेम्पल है उससे हार्डली 200-300 मीटर ही दूर है। और ये देखिए छोटा सा ऐसा रास्ता है, वहाँ से हमें जाना है। ये टेम्पल काफ़ी पुराना है, आई थिंक 1888 में ये टेम्पल को बनाया गया था। और अंदर के साइड फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो हमने बाहर से ही पिक्चर्स क्लिक किए। और अंदर ब्यूटीफुल शिवा का लिंग है लोटस फ्लावर के ऊपर, और वहाँ से जो नदी स्टार्ट होती है, पानी स्टार्ट होता है, वो यहाँ पे बाहर आके ये जो गोमुख है वहाँ से आता है बाहर, और यहीं से कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है, इसलिए इसे कृष्णाबाई मंदिर कहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है, छोटा सा बट बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल है। यहाँ पर जो स्टोन्स पे कार्विंग की गई है, जो स्टोन पे इनका स्ट्रक्चर बनाया गया है, वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। मंदिर की जो कॉलम्स हैं, सीलिंग हैं, उसमें भी कार्विंग्स की गई है। और मंदिर के सामने ही इतना ब्यूटीफुल कृष्णा वैली का व्यू है, बहुत ही सीनिक व्यू है। मंदिर विजिट करने के बाद बाहर ही ये काउंटर था स्ट्रॉबेरी और मलबेरीज, गूसबेरीज रहता है, ये 2-3 महीने रहता है। एंड वी आर डन विथ कृष्णाबाई मंदिर। और 3 बज गए हैं, बहुत भूख लगी है, लंच खाना बाकी है हमारा। और हमने स्ट्रॉबेरी मलबेरीज लिए, और मलबेरी तो वहीं पे खड़े खड़े ख़त्म हो गया, इतने मस्त थे, बड़े बड़े जूसी जूसी थे। और स्ट्रॉबेरी तो हमने बैग में ले लिए, यहाँ पे आके स्ट्रॉबेरी ये सब नहीं खाया तो क्या मज़ा आएगा, विंटर का यही तो यहाँ पे मज़ा है। अब हम छोड़ बाहर ढूंढते हैं रेस्टोरेंट, भूख लगा है। लजो या खाली से। सो फ्रेंड्स, वो होटल सवेरा में तो प्लेस नहीं था, और खाना भी हम लोगों ने दूसरों के होटल टेबल पे देखा तो ओके ओके लग रहा था। तो हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग अभी यहाँ से नियर बाय आई थिंक महाबलेश्वर मार्केट ही आता है, तो अब वहाँ पर जाएंगे। केचू पकड़ जो, हम खाली खेती छोड़। तो हम लोग अभी यहाँ से महाबलेश्वर जाएंगे, अच्छे से होटल ढूंढेंगे, लंच करेंगे, बहुत भूख लगी है, 3:30 बज गए हैं। सुधियो टेम्पो वाला टेम्पो टेम्पो त्या चुकी है, रेस्टोरेंट। यहाँ का फूड हमको बहुत ही पसंद है, यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए साउथ इंडियन बहुत अच्छा मिलता है, और लंच के लिए पंजाबी फूड भी बहुत अच्छा मिलता है। एंड टुडे वी हैड दिस पनीर टिक्का मसाला, मसाला पापड़ एंड बटर नान, इट वाज वेरी यम्मी। वी आर रिटर्निंग टू आवर होटल, अब हमें बाइक वॉश कराना है। सो सुबह हमने पूछा था, बंद था, अवेलेबल नहीं था वो, सो अभी आज तो कुछ ज़्यादा है नहीं करने के लिए, अभी देखते हैं बाइक वॉश का अभी चालू हुआ कि नहीं हुआ, कि क्या बंदा क्या बोल रहा था पता नहीं। चलो हम उतर गए हैं ड्रीम वर्ल्ड, और सच में क्या हुआ, सच में ड्रीम वर्ल्ड में हमारा 31st का ड्रीम कंप्लीट हुआ। हियर इज चिराग, चिराग इज स्टाइल मारिंग। Beautiful view from our balcony. Ooh. Looks like a painting. Wow. So, हम लोग गए थे बाइक वॉश के लिए, पर बाइक वॉश वाला नहीं था,
उसका मशीन एक्चुअली ख़राब हो गया था वॉशिंग का, तो आज हमारा बाइक वॉश हुआ ही नहीं। और फिर हमने वहीं पे स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम खाया और उसके बाद हम लोग रूम में आए। यहाँ पे थोड़ा सा आधा घंटा हमने टाइम पास किया और अब हम यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हैं अपने ब्यूटीफुल व्यू के साथ। और ठंडी बड़ी बड़ी और ठंडी बढ़ना शुरू हो गई है, बहुत ठंडी लग रही है। यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा है, यहाँ का व्यू इतना अच्छा है ना कि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। वो एक्चुअली सच्ची बताऊँ ना, आज कुछ साइट सीइंग करने का भी मन नहीं कर रहा है। कर रहा था सुबह तो भी फिर सोचा कि चलो एक दो पॉइंट्स एक्चुअली देख लेते हैं, जो हमने नहीं देखा है वो देख लेते हैं। तो फिर वो जो मंदिर था वहाँ पे हम लोग गए, और एक और था महाबलेश्वर मंदिर, वहाँ पे भी हमें जाना था, पंचगंगा मंदिर भी जाना था। बट वहाँ पे इतना ट्रैफिक हो गया था और हमारा लंच नहीं हुआ था, और वो बेल्ट पे सब होटल्स फुल थे, जगह नहीं था, तो हम लोग को वापस फिर रिटर्न महाबलेश्वर आना पड़ा वहाँ से निकल के, जो आई थिंक 5 to 6 kilometers का मतलब उसकी डिस्टेंस पे है। और जो ओल्ड महाबलेश्वर का रोड जो था मंदिर के लिए, वो बहुत ही नैरो रोड है, तो वहाँ पे बहुत सारी ट्रक्स और बसेस भी थी, तो इतना मतलब जाम हो रहा था। तो हम लोग टू व्हीलर पे थे इसलिए फटाफट निकल आए, बाकी कार्स की तो पूरी लंबी लाइन थी, पूरी 1.5 kilometers तक लंबी लाइन थी। तो बहुत ही मतलब फिर सोचा कि छोड़ देते हैं, एक ही मंदिर देखा आज के लिए बहुत काफ़ी है। उसके बाद हम लोग ने लंच लिया, यहाँ पे आए और अब देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है कि यहीं पे पूरा टाइम रहने का मन कर रहा है, कहीं जाने का ही मन नहीं कर रहा है। कल का भी दिन है लेकिन हम सोच रहे हैं अभी कल क्या करेंगे, कुछ है नहीं ऐसे बस। वैसे तो यूजुअली जाते हैं हम लोग पूरे साइट सीइंग के लिए, बट सब कुछ देखा हुआ है और इस बार तो हम लोग जान मतलब एक्चुअली वी हैव कम फॉर जस्ट रिलैक्सिंग, चिल करने के लिए ही आए हैं। और क्लाइमेट बहुत ही मस्त है, इतना मस्त है ना, मुंबई जाने का मन ही नहीं हो रहा है। चलो चाय पीते हैं मस्त मस्त गरम गरम मसाले वाली। और हमने काफ़ी लेट लंच किया था तो बहुत ही लाइट हमने नाश्ता किया, जस्ट हमने वेफर खाए, अच्छी सी चाय कॉफ़ी पी, इतनी खूबसूरत शाम का व्यू एंजॉय किया और एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया। सनसेट हो रहा था और इतना ब्यूटीफुल स्काई में व्यू हो रहा था, इतने अच्छे कलर्स हो गए थे स्काई में, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। वाओ सी इट्स अ गोल्डन आवर, एवरीथिंग इज गोल्डन गोल्डन। और हम लोग आ गए हैं चाय नाश्ता करके हमारे रूफ टॉप रेस्टोरेंट से, और वहाँ पे फिर काफ़ी हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, बहुत ही अच्छा लगा। और अभी 8:15 बज रहे हैं, हम लोग अभी महाबलेश्वर मार्केट घूमने को जा रहे हैं, लेट्स गो लेट्स गो। और हम लोग जल्दी जल्दी में एक्साइटमेंट में इतने खुश होकर निकले और बाइक पे बैठे तो पता चला कि बहुत ठंडी लग रही है। हमारे पास आज अभी मतलब जैकेट हमने अभी कैरी नहीं किया था, सिर्फ हैंड ग्लव्स थे हमारे पास, वो जो वुलन वाले वॉर्म वाले थे, पतले वाले थे, इतने मोटे नहीं थे। एंड हियर कम्स द चेक पॉइंट फॉर महाबलेश्वर, एंड हियर कम्स द वेना लेक। राइट में है वेना लेक और ये लेफ्ट में है महाबलेश्वर का मुंबई पॉइंट, जहाँ पे चौपाटी के जैसे सब भेल वेल पानीपुरी पाव भाजी, ये देखिए बॉम्बे भेल बॉम्बे पाव भाजी, मुंबई पॉइंट है यहाँ पे चौपाटी भेल, ये नया नाम आया मुंबई पॉइंट। फुल गेम फ्रेम्स एवरीथिंग फुल एंजॉय, लेट्स गो टू महाबलेश्वर मार्केट। फाइनली वी हैव रीच टू महाबलेश्वर, प्रॉपर महाबलेश्वर, न्यू महाबलेश्वर। एंड हियर वी आर एंटरिंग द महाबलेश्वर मार्केट, और स्टार्टिंग में ही कैफे है, और फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड रेस्टोरेंट्स है और राइट साइड से छोटे छोटे काउंटर स्टार्ट हो जाएंगे शॉपिंग के लिए, लेट्स गो देयर। यहाँ के मार्केट में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा शॉपिंग के लिए, छोटे मोटे डेकोर आइटम्स एंड सैंडल्स एंड शूज़,
पे किड्स के लिए टॉय शॉप्स भी हैं, और ये देखिए वुडन की डेकोर आइटम्स भी हैं, लेदर के हैंडबैग्स, जूट के हैंडबैग्स, स्लिंग बैग्स, ईयर पफ्स, काफ़ी कुछ मिल जाता है यहाँ पे। छोटे छोटे ज्वेलरी शॉप्स भी हैं, एंटिक ज्वेलरी है, ऑक्सीडाइज की ज्वेलरी है, रबर बैंड्स, हेयर बैंड्स, बैंगल्स, नेकलेसेस, ईयरिंग्स, वुलन कैप्स, फर वाले कैप्स, फर वाले स्लीपर्स, और खाने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। साउथ इंडियन, पंजाबी, चाट काउंटर्स, कॉर्न के काउंटर्स, स्ट्रॉबेरी विथ क्रीम, काफ़ी कुछ है यहाँ पे। और मीठा चटनी इसमें ग्लास में। एंड वी ट्राइड पानी पूरी हेयर जो बहुत ही अच्छी थी, बहुत टेस्टी थी। फिर हमने एक प्लेट सेव पूरी भी खाई। हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं खाया बिकॉज हमको डिनर एक्चुअली हमारे होटल में ही खाना था, तो यहाँ पर जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा टेस्टिंग हमने खा लिया। साढ़े नौ बज गए हैं और यहाँ पे बहुत ठंडी है, पर हमको डिनर हमारे होटल में ही करना है, यहाँ पे बहुत क्राउड है, तो हम जा रहे हैं जल्दी से। बहुत ठंडी है गाइस, बहुत ठंडी है, 11 डिग्री, और अभी बाइक पे है, हम लोग को इतनी हवा लग रही है, और हम लोग ने बालकलावा लेना भूल गए, इतनी कान में ठंडी लग रही है। ग्लव्स पहने ना, उससे मैंने अपने कान बंद किए ऐसे। हम लोग कैप लेना भूल गए और हेलमेट भी नहीं है, हेलमेट होता तो अच्छा सपोर्ट मिल जाता। हमने सोचा नज़दीकी है तो हेलमेट नहीं लेते हैं, वो आज तो ज़्यादा ही ठंडी है। गाइस वी आर बैक इन अ रूम, अभी 12:30 बज रहे हैं, हम लोग ने डिनर लिया हमारे होटल में ही, और ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे थे, वहीं पे बैठे थे, टेरेस व्यू, नाइट व्यू, मून व्यू एंजॉय कर रहे थे, और अभी बस थक गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।